नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है महान्यूज सेवन में। आज के इस शिक्षा की ऊंची उड़ान में हम बात करने जा रहे हैं आईसी इस एजुकेशन के बारे में। आईसी क्या है इसके बारे में जानकारी लेने आए हुए हैं एडू स्किल्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर जो है अमोल गिलुरकर सर के पास में आए, जिनका ऑफिस जो है धंतोली में है और कोचिंग इंस्टीट्यूट भी धंतोली में है। और यहाँ पर बहुत ही बच्चे जो आते हैं ये आईसी कोचिंग सीखने के लिए आते हैं। आईसी क्या है, इसका कितना फ़ायदा हो सकता है आगे जाके और क्या क्या लाभ मिल सकता है ये सीखकर, तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम स्वागत करते हैं सरकार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्ते जी। आजकल एजुकेशन सेक्टर में बहुत ज़्यादा तरक्की हो रही है, बहुत ज़्यादा आधुनिक इसमें जो है विषयों का यहाँ पे ऐड ऑन हो रहा है। और सबसे पहले बात करते हैं कि जो विद्यार्थी है जो 10th या 12th पास आउट होते हैं, तो उनको सबसे पहले एक बात आती है कि हम आगे क्या करें, आगे आर्ट्स करें, कॉमर्स करें, साइंस करें। तो सबसे पहले उनका यही रहता है कन्फ्यूजन कि हमको करना क्या चाहिए जिसमें हमको जॉब मिले, अच्छी सैलरी मिले और हमारी लाइफ सेटल हो जाए। लेकिन अभी हम जो विषय है वो है हमारा आईसीए का, और आईसीए को लेकर खास एक ऐसी बात है कि इसमें आपको 100% जॉब प्लेसमेंट मिलता है। हमारे नागपुर शहर में पहली बार लॉन्च हुआ है आईसीए एडू प्राइवेट लिमिटेड, आईसीए एडू स्किल प्राइवेट लिमिटेड जो हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जिसको जो है इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर है अमोल गिलुरकर और नम्रता गिलुरकर जो है ये संचालन कर रहे हैं। और हाल फिलहाल में ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है इसकी स्थापना हुई है और काफ़ी अच्छे तरीके से ये जो अपना जो इंस्टीट्यूट है रन कर रहे हैं। काफ़ी विद्यार्थी यहाँ पे आके अपना एजुकेशन ले रहे हैं। हालांकि आईसीए जो है बहुत से लोगों को पता नहीं है, विद्यार्थियों को पता नहीं है जो कॉमर्स करते हैं या फिर साइंस करते हैं या फिर आर्ट के स्टूडेंट्स हैं, उनको भी आईसीए के बारे में पता नहीं है। हालांकि ये पैन इंडिया के तहत पिछले 25 सालों से ये है और कलकत्ता, मुंबई जैसे अनेक शहरों में इसके ब्रांचेज है, तो नागपुर शहर में भी इसका ब्रांच है। और नागपुर शहर में जो ब्रांच है वो हमारे जो संचालक है, डायरेक्टर है अमोल सर, इसको ये कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं। तो सीधा हम उनसे बात करते हैं कि सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस आज के शो में। हम आज बात करने वाले एक एजुकेशनल सेंटर सेक्टर के बारे में, आईसीए जो काफ़ी ज़्यादा अभी हिट है, विद्यार्थी इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रुझान बढ़ रहा है विद्यार्थियों का। तो असल में आईसीए क्या है? आईसीए एक प्रैक्टिकल कोर्स प्रोवाइड करने वाला आईसीए इंडस्ट्रियलाइज कंप्यूटर अकाउंटिंग जो कोर्सेस है, अकाउंट के लिए जो प्रैक्टिकल स्किल लगता है ये कोर्स प्रोवाइड करता है। बेसिकली आईसीए की जो स्टार्ट हुआ 1999 कलकत्ता में स्टार्ट हुआ था, हमारे डायरेक्टर है, चेयरमैन डायरेक्टर है नरेंद्र श्यामसी का, वो भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। उन्होंने भी फेस किया था कि एक ढंग का आदमी, हर इंडस्ट्री को लगता है ना एक ढंग का आदमी चाहिए काम करने के लिए, जिसको स्किल चाहिए ये सब। तो उन्होंने फेस किया था कि अभी जो इंडस्ट्री चेंज हो रही है उसके लिए जो स्किल सेट चाहिए उसके लिए एम्प्लॉय नहीं प्रॉपर मिलता, तो उनको स्किल कौन देगा। तो उन्होंने 25 साल से ये जो प्रोजेक्ट है चालू है अपने अलग अलग सिटी में, 110 से पैन इंडिया 110 सेंटर्स है और महाराष्ट्र में 27 सेंटर्स है, पुणे में, मुंबई का अहमदनगर पहले और कोल्हापुर में है, अभी नागपुर में भी अपन ने स्टार्ट किया है। तो इस अच्छा, तो मुझे बताइए सर कि कौन से क्षेत्र के जो छात्र है ये आईसीए कर सकते हैं? एनी ग्रेजुएट स्टूडेंट कर सकता है, लेकिन प्रीफरेबल जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट है उनके लिए तो थोड़ा ज़्यादा एडवांटेजेस है, क्योंकि तो बीकॉम वाले स्टूडेंट को अगर अकाउंट में उनको जो जॉब वो अकाउंट में देखते हैं, अकाउंट से फाइनेंस मैनेजर बनना है, अकाउंट मैनेजर बनना है, तो उनके लिए जो स्किल सेट लगता है जैसे कि बेसिक अभी इंडस्ट्री में क्या है, इंडस्ट्री में सब सॉफ्टवेयर बेस वर्क हो रहा है और अपना जो सिलेबस है यूनिवर्सिटी का वो है मैनुअल बेस, तो ये जो गैप जो भी स्टूडेंट की और वो इंडस्ट्री की जो गैप है उसके लिए स्टूडेंट को ट्रेनिंग चाहिए, उसके लिए स्टूडेंट को स्किल सेट चाहिए, तब जाके वो इंडस्ट्री वो प्रेशर लोगों को अच्छे से जॉब दे पाए। आज हम इंडस्ट्री जॉब देने के लिए तैयार है लेकिन स्किल सेट नहीं मिल रहा, तो बीकॉम वाले स्टूडेंट में अगर उन्होंने ये कोर्स किया, हमारा प्रैक्टिकल 100% प्रैक्टिकल कोर्स है, इसमें हम टोटली अकाउंटिंग के कंसेप्ट से लेके हाउ टू पास जनरल एंट्री से लेके फाइनलाइजेशन अकाउंट प्रैक्टिकली कैसे होता है ये देते हैं। उसमें साथ अभी कंप्लायंसेस बढ़ गई हैं, जैसे TDS का कंप्लायंस है, GST है, हर महीने GST है, तो ये सब अकाउंटेंट को आना चाहिए। पहले तो साल में एक बार कंप्लायंस होता था तो CA के पास जाके सर्विस प्रोवाइड कर सकते थे, CA के पास भी इतना वर्क है कि तुम्हारा अकाउंटेंट ही अगर ये उनको डाटा प्रॉपर देगा तो वो कब अच्छे से कर पाएगा। तो इसके लिए जो मैन पावर लगने वाला है और उनको जो स्किल सेट है तो ये बीकॉम वाले स्टूडेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, BA एनी ग्रेजुएट कोई भी अगर तुम्हारे पास एम्प्लॉय है तो वो कर सकता है। तो उनके लिए वो जो स्किल्स गैप जो है हम उसमें उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं इंडस्ट्री के हिसाब से उनको, पर कोई भी ऐसा नहीं कि कोई 70% वाला स्टूडेंट चाहिए,
फोर्टी परसेंट ये प्रैक्टिस करके, ये स्किल को बहुत बड़ी इंटेलिजेंस नहीं लगती है इसमें, प्रैक्टिस जितना ज़्यादा स्टूडेंट प्रैक्टिस करेंगे उतने उनकी इंटेलिजेंस बढ़ती मतलब रहती इसमें खासियत ऐसी है। हाँ, तो हम उनको इतना वो प्रैक्टिकल सिखाते हैं, उसको प्रैक्टिस करवाते हैं, प्रैक्टिस 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 करवा के उनको पूरा स्किल आप बना देते हो, ताकि स्किल बना देते, फिर जब वो जॉब में जाएंगे तो उनको नया कुछ नहीं लगेगा। तो जो भी जॉब में चाहिए, TDS है, GST है, इनकम टैक्स है, कम्युनिकेशन स्किल है, ये सब हम स्टूडेंट को सब प्रोवाइड करते हैं जी। तो जैसे कि आपके इंस्टीट्यूट में जैसे ICA EDU स्किल प्राइवेट लिमिटेड आप अभी रन कर रहे हो, तो यहाँ पे हाल फिलहाल बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे अभी ICA जो है ये सीख रहे हैं, तो आप उनको जो सिखा रहे हो उसमें आप उनको क्या क्या प्रोवाइड करा रहे हो? जैसे कि आपने बताया कि पर्सनल डेवलपमेंट तो आप करा रहे हो, लेकिन इसके अलावा आप उनको क्या क्या एजुकेशन में आप चीज़ें बता रहे हो? बेसिकली अगर अकाउंट में जाना है तो उनको अच्छे से अकाउंट, अभी एक अकाउंटेंट बनना है तो अकाउंटेंट के सिर्फ अकाउंट के एंट्री से नहीं काम चलेगा, टैली सिर्फ टैली पता है तो अगर उसकी कंसेप्चुअल क्लियरिटी नहीं है तो टैली एक पैकेज है, तो टैली के साथ कंसेप्चुअल क्लियरिटी, प्रैक्टिकल वर्क के कंप्लायंसेस क्या है, कहाँ पे वो लिमिटेशन है, मुझे ये रूल्स क्या है, GST का रूल्स क्या है, इनकम टैक्स का रूल्स क्या है, हाँ TDS का रूल्स क्या है, हर महीने में ड्यू डेट्स है, किसका TDS डिडक्ट करना है, किसको GST में कौन सा स्कीम पे है, उसका रिटर्न का कौन सा रिटर्न भरना है, ये सब अकाउंट उनको पता चाहिए कि उसका डाटा कैसे प्रिपेयर करें, उसके लिए वर्किंग शीट कैसे तैयार करें, हाँ PF है, ESIC है, हाँ ये सब का रिटर्न बनाना पड़ता है, ये सब तो अकाउंटेंट नहीं करेंगे। अगर ये अकाउंटेंट को स्किल पता है तो उसको भी अच्छे से पैकेज भी लेंगे। हाँ, तो अभी हर इंडस्ट्री में एक अकाउंटेंट को पूरा नॉलेज होना चाहिए, तब जाके एम्प्लॉयर भी उसको अच्छे से सैलरी पे कर पाएंगे, क्योंकि उसका भी टाइम बचेगा तब जाके। तो ये सब एक्सपेक्टेशन इंडस्ट्री से है, लेकिन वो इंडस्ट्री की जो एक्सपेक्टेशन है स्टूडेंट मैच नहीं कर रहे, तो उनको लिए एडिशनल स्किल हर जगह अभी तो हर इसमें प्रैक्टिकल स्किल सीखना पड़ेगा, तब जाके जॉब तो बहुत है स्टूडेंट के लिए, जॉब तो होगा अकाउंट सेक्टर में तो हर जगह, आप कोई भी एम्प्लॉयमेंट का ये देख लो, वहाँ पे जॉब बहुत है, लेकिन स्टूडेंट उसके लिए क्वालिफाई होना भी जरूरी है, जो स्किल सेट चाहिए उसके लिए जो इंडस्ट्री या कंपनी तो कहीं ना कहीं अपनी स्किल इन्हेंसमेंट करना जरूरी है आज के डेट में। स्टूडेंट में वही गैप है कि वो स्किल इन्हेंसमेंट कर नहीं पा रहे और कहीं भी गाइडेंस नहीं मिलता, तो हम उन स्टूडेंट को करवाते हैं और उनको प्लेस करते हैं, 100% जॉब गारंटी वाले कोर्सेज हैं हमारे। तो सर कैसा है कि जैसे कैसा रहता है कि ICA अगर ये सुनने में कैसा है कि इंडस्ट्रियल कंप्यूटराइज अकाउंटिंग आपने जैसे बोला हुआ है, तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स रहते हैं कि 12वीं होने के बाद में एक उनमें एक कन्फ्यूजन रहता है कि हम करें क्या, तो ICA कोर्स करने के क्या लाभ हो सकते हैं अगर किसी स्टूडेंट इसकी ओर रुख करता है तो उनको क्या लाभ मिल सकता है? अगर अभी स्टूडेंट स्मार्ट हो गए हैं, स्टूडेंट को ग्रेजुएशन के बाद जॉब चाहिए, अगर उसको ग्रेजुएशन के बाद जॉब चाहिए लेकिन करंट सीनियर ऐसा कि आपका जो अभी जॉब में सिलेबस है वो थ्योरी बेस है और इंडस्ट्री प्रैक्टिकल बेस है, ये चीज़ें में जो गैप है, तो अगर वो कहीं तो भी स्किल इन्हेंसमेंट करेगा, अगर 12th पास होने के बाद बच्चा ग्रेजुएशन तक सबको करना है, ग्रेजुएशन के साथ हमारे कोर्सेज करता है, तो आफ्टर जब तक उसकी ग्रेजुएशन की डिग्री हो जाती है उसके साथ में हम उनको एक साल का इंटर्नशिप भी दे रहे हैं, इंटर्नशिप करेंगे और उसके साथ उसको जब ग्रेजुएशन की डिग्री आएंगे तो उसके हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर रहेगा। बिल्कुल, तो जैसे ICA अगर नागपुर के अगर मैं बात करूं सर, तो नागपुर में आपका यहाँ पे ब्रांच आपने शुरू किया हुआ है, तो अगर किसी को ICA करना है तो ICA करने के लिए कैसा है कि बहुत ज़्यादा लोगों में एक ये सवाल पैदा होता है कि मतलब अकाउंटिंग में ही ये चला जाएगा तो बाकी किसी इसमें उसका कुछ फ़ायदा होने से रहा, तो इसका विकल्प क्या हो सकता है? हमारे पास MIS एग्जीक्यूटिव का एक कोर्स है, MIS में भी अभी डाटा हैंडलिंग बहुत बड़े इंडस्ट्री में MIS एग्जीक्यूटिव एक रहता है जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए बहुत सा आउट बैक ऑफिस वर्क रहता है, हाँ टैक्स कंसल्टेंट बन सकता है, रिटर्न फाइलिंग, GST फाइलिंग इसका भी काम करके खुद सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकता है। बिल्कुल, तो जैसे ICA करने के ये ICA का कोर्स कितने सालों का रहता है? देखो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के वो हम एक साल डेढ़ साल आगे तीन हमारे कोर्स है, 6 महीने से लेकर 1.5 साल तक। अगर कोई स्टूडेंट जॉब कर ही रहा है उसके पास कुछ हाफ स्किल है तो हम उसको और स्किल इन्वेस्टमेंट करना था, उसके हिसाब से कुछ कोर्स है। जो फ्रेशर स्टूडेंट है अभी 12th पास हुआ तो उनके लिए भी एक अलग कोर्स है, जो मास्टर कोर्स है, जो अगर ग्रेजुएशन के साथ 3 साल ग्रेजुएशन करना है उसके साथ में 1.5 साल का हमारा कोर्स है, 1.5 साल में हम जोहा बुक, जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग पैकेजेस है वो सिखाते हैं, जो नागपुर हमने कहीं पर जोहा बुक का कहीं भी देखा नहीं होगा कोई सिखाता है, SAP को सिखाते, जो अकाउंटिंग मॉडल है वो सिखाते, तो इसके जो मास्टर कोर्स है उससे स्टूडेंट
ग्रेजुएशन के बाद मल्टीनेशनल कंपनी के लिए तैयार हो जाता है। अच्छा, तो इसमें मतलब आईसी करने के बाद में मतलब उनको प्लेसमेंट मिलता है क्या? हम 100% जॉब गारंटी हम बोलते हैं। अभी तक का रिकॉर्ड है हमारे पास, अगर बैचेस में 10 स्टूडेंट है हमारे पास वैकेंसी 20 रहती है, क्योंकि और एम्प्लॉयर जो है वो हमको, जिन्होंने एक बार आईसी का स्टूडेंट को देखा है, उन्होंने एम्प्लॉय किया, तो वो हमेशा कि आईसी स्टूडेंट को ही प्रीफर करता है, क्योंकि मालूम है यहाँ से आने वाला स्टूडेंट स्किल बेस है। अभी तक पैन इंडिया में अभी तक 5 लाख स्टूडेंट प्लेस हो चुके हैं, तो उसमें से 2 लाख तो अकाउंट मैनेजर, चीफ अकाउंट मैनेजर है, अकाउंट मैनेजर है बड़े बड़े इंडस्ट्री में। अगर वो मैनेजर को पता है कि मैंने आईसी से मैं ये लेवल पे आया हूँ, तो वो अगर उसके अंडर में उसके लोग लग रहे थे, वो किसको प्रीफर करेगा आईसी को? तो वो देखता है कि मेरे सिटी में कहाँ पे आईसी सेंटर है, या जहाँ पे उनको बोलते कि आपके कोई स्टूडेंट यहाँ आना चाहते तो हमारे पास वैकेंसी है। अभी रिसेंटली कलकत्ता में टीसीएस में 67 स्टूडेंट प्लेस हुए, 80 स्टूडेंट रिक्वायरमेंट थी, 67 प्लेस हो गए उनको आईसी। तो ये बहुत बड़ा एक आंकड़ा है। तो उन्होंने भी बोला कि हम हमेशा जाते तो हमको 50% ही मिलती कैंपस में, यह पहली बार इतना रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है। अच्छा, तो जैसे इसमें ऐसा होता है कि सर कि जैसे पूरे इंडिया में मतलब जहाँ भी स्टूडेंट्स को जाना है वो खुद ऐसे बताते हैं कि जो अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो खुद ही बच्चों को वहाँ पे प्लेसमेंट करवाता है, या उनके मन मुताबिक जैसे हमारा कोर्स हो जाता है स्टूडेंट बोलेंगे हमें नागपुर में जाएंगे। नागपुर में भी हमारे पास अभी जितने भी मल्टीनेशनल ब्रांड नागपुर में है, जो हमारे एम्प्लॉयर है सभी नागपुर में है, उनके बैंक रीजनल ऑफिस है, टीसीएस है, अभी एससीएल है, सभी नागपुर में है, बैंक है, सभी बैंक के रीजनल ऑफिस नागपुर में, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। हर लोकल इंडस्ट्री भी अपने पास नागपुर में है जिसमें स्टूडेंट जा सकता है। अगर वहाँ पे जाने के बाद उनको लगता है कि मुझे 2 साल मैंने नागपुर में काम कर लिया, अभी मुझे अपडेशन नहीं मिल रहा नागपुर में, मुझे पुणे जाना है, हम एनी टाइम जॉब कार्ड देते हैं। जैसे ही कोर्स हो जाता है एनी टाइम जॉब कार्ड, वो स्टूडेंट का डाटा भी हमारे पास रिकॉर्ड होता है, उसने यहाँ रिकॉर्ड कर दिया तो पैन इंडिया के सभी सेंटर में उसका जो नंबर मिलेगा, वो नंबर डालेंगे तो पैन इंडिया में कहीं पर भी उसको, अगर बंगलोर जाना है तो बेंगलोर का वहाँ एड्रेस हम डाल सकता है, वो पैन सर्च करके बेंगलोर का ऑफिस में जाएंगे, हम नागपुर के स्टूडेंट हैं, यहाँ से मैंने ये कोर्स कंप्लीट किया है, तो ना वहाँ पर जहाँ पे भी वैकेंसी होंगी वो उनको अलर्ट मतलब कर देंगे। हमारे पैन इंडिया में 30 प्लेसमेंट ऑफिस है, पूरी तरह से उनको एक परफेक्ट तैयार करके आप उनको भेजते हो, ताकि उनके जो आगे का उनका जो है जो भी सक्सेस हो रहा है उनके लाइफ में उसका पूरा आधा हिस्सा तो आप ही उनका आईसीए में पूरा कवर कर देते हो। तो आप क्या सोचते हो सर कि महाराष्ट्र की अपनी उपराजधानी जो नागपुर है, नागपुर में आप आईसीए को किस मुकाम पे देखते हो, और क्या लगता है आपको कि आईसीए को करने से क्या मतलब हो सकता है, क्या चेंजेस हो सकते हैं स्टूडेंट्स में और अपने स्टूडेंट में? तो 100% हम जॉब गारंटी बोलते हैं, क्योंकि ये इतने स्किल है जिनको अकाउंट फाइनेंस टैक्सेशन में काम करना है, जो सभी लोग तो सीए नहीं हो पाएंगे हैं, तो जो दूसरे इंडस्ट्री में सेकंड फेज या थर्ड इसमें जो रहते हैं उनको अगर इसमें जाना है, यार एमबीए वाले भी स्टूडेंट फाइनेंस में अभी जॉब कर रहे फाइनेंस एमबीए कर रहे, उसके बाद भी जॉब नहीं मिल रहा, क्योंकि वो स्किल का कहीं तो भी गैप है यूनिवर्सिटी का सिलेबस और इसमें, तो उन्होंने भी अगर एक कोर्स कर लिया तो मैं बोलता कि उनको अच्छे से पैकेज मिल सकता है, क्योंकि प्रैक्टिकली टोटली प्रैक्टिकल है जो इंडस्ट्री को चाहिए, उनमें एमबीए वालों में एक स्किल अच्छी रहती है लेकिन प्रैक्टिकल कहीं ना कहीं छूट जाता है। इंडस्ट्री को मालूम है मुझे एक मैनेजर अकाउंट मैनेजर चाहिए, लेकिन उसका अकाउंट का पूरा डिटेल होना चाहिए। एमबीए वाला मैनेजर तो बन सकता है, लेकिन थोड़ा अगर उसका बैकग्राउंड भी और अच्छे से रहेंगे तो अच्छे प्लेस पे प्लेस हो सकता है। अच्छा, तो इसमें हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जैसे आईसीए करने के बाद में उसका चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि वो इंडिया में कहीं भी जाके जॉब कर सकता है। हाँ। और आप मतलब आईसीए का स्कोर्स जो है 12th पास आउट होने के बाद में डायरेक्ट कर सकते हैं, तो ये कैसा किस तरह का कोर्स होता है, एक मतलब 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, डिप्लोमा डिग्री कैसा होता है सर? 12th वालों को एक तो 12 महीने का एक कोर्स है और एक 18 महीने का कोर्स है। 12 महीने हम उसको CIA बोलते हैं, उसमें हम रेगुलर इनकम बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस अकाउंटिंग टैली प्राइम टैली अकाउंट के 3-4 पैकेज उसमें हैं, जैसे जोहो बुक जो इंटरनेशनल पैकेज है, अभी कुछ दिन के बाद जोहो बुक और टैली में इतने डिफरेंस है, जोहो बुक क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है, अभी मल्टीनेशनल कंपनी उसी पर शिफ्ट हो रही है। सैप है, सैप जो लॉजिस्टिक में अकाउंट मॉडल देता है, वो सैप में भी मल्टीनेशनल कंपनियाँ सैप यूज करती है, तो सैप का भी नॉलेज रखना चाहिए स्टूडेंट को। जो अकाउंट का मॉडल है सैप का, हम पूरा सैप नहीं, जो अकाउंट का मॉडल है ना वो हम उनको बताते हैं। एक अकाउंटेंट वो कोई भी सेक्टर में उसको जॉब मिल जाए, मनी फैक्चरिंग में जाए, ट्रेडिंग में जाए,
या सर्विस में जाए, हाँ तो वो अकाउंटेंट का चारों तरफ का हम नॉलेज उनको देके बाद में वो इतना मतलब उनकी ग्रूमिंग आप इस तरह से करते हो ताकि वो कहीं भी जाए उसका फायदा उनको मैंने हमारे पास टैली है तो उनको टैली आता है सैप आता है कि हम तो सैप में काम करते हैं तो स्टूडेंट वाले अटक जाएंगे, लेकिन हम जो जो पॉपुलर सॉफ्टवेयर है उसमें और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इतनी कर देते कि कोई भी सॉफ्टवेयर में वो मतलब फिट हो जाएगा। हाँ बेसिक कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग अगर अकाउंट की प्रॉपर है, ग्रुपिंग क्या करना है, लेजर कौन सा है, ये प्रॉपर अकाउंट अगर है तो फिर वो कोई भी सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर सीखने में उसको ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे और उतना तो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन बेसिक नॉलेज तो सभी को मतलब रखता है। बिल्कुल। तो मुझे बताइए सर कि अगर किसी स्टूडेंट को अगर इच्छा होती है कि मुझे इंटरनेशनल लेवल पे जाके काम करना है तो क्या ऐसा पॉसिबल है इसमें? हाँ अभी तो स्टूडेंट अकाउंट के लिए ऑस्ट्रेलिया कैनेडा यहाँ पे लोग जा ही रहे अकाउंट के लिए। हाँ बाबे ना कलकत्ता मुंबई पुणे सेंटर के तो गए हैं क्योंकि एक बार उनका एक्सपीरियंस हो गया 3-4 साल का तो उसके बाद में वहाँ पे भी जा सकते हैं। मतलब यहाँ से एक बार निकलने के बाद हाँ, फिर आगे का प्रोसेस जो उनको करना होता है हाँ, वो एक, खुद एक अच्छे से नॉलेज है तुमको पहले तो कहीं तो भी फर्स्ट जॉब प्रीपर है, फर्स्ट एक्सपीरियंस प्रीपर है, एक अच्छे से एक्सपीरियंस एक अच्छे कंपनी का टैग तुम्हारे पास लग गया तो तुम्हारा ही कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बिल्कुल। हाँ स्टूडेंट का जब कॉन्फिडेंस नहीं जब तक नहीं बिल्ड होगा तब तक वो सोचेगा नहीं कर पाएगा। हाँ तो एक कॉन्फिडेंस लेवल भी उतने आने चाहिए तो स्टूडेंट खुद ही सोचता कि अभी मैंने ये कंपनी में काम किया है मुझे इंटरनेशनल लेवल के जाना है तो जा सकते हैं क्योंकि सभी जगह ऑस्ट्रेलिया के लिए तो बहुत इंडियन माइंड्स इंडियन बेस्ड अकाउंटर और मैथ्स में इंडियन ब्रांड्स हमेशा आगे। बिल्कुल। तो सर मुझे बताइए कि एक लास्टली आप मैसेज क्या देना चाहोगे अगर किसी स्टूडेंट्स को अगर आईसीए करना है तो आप उनको एक बार एक मैसेज ऐसा बता दीजिए कि आईसीए करने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि अपने जो दर्शक है जो स्टूडेंट्स है जो देख रहे हैं अपना मान स्किल इन्हेंसमेंट सबसे जिनको अकाउंट फाइनेंस इसमें जाना है तो स्किल इन्हेंसमेंट मस्ट इम्पॉर्टेंट है और जैसे ही अगर स्टूडेंट को आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद जल्दी जॉब चाहिए तो उन्होंने ग्रेजुएशन के साथ अगर एक कोर्स कर लिया तो उसको ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ अपने जॉब दे देंगे कि वो स्टूडेंट उतना प्रिपेयर हो जाता है एक कोर्स क्योंकि टोटल प्रैक्टिकली हम 7 सिमुलेशन सॉफ्टवेयर देते हैं जैसे GST का साइट है वैसा ही साइट हमने प्रैक्टिस के लिए स्टूडेंट के लिए बनाया है, इनकम टैक्स की जैसी साइट है वैसा ही इनकम टैक्स का रिटर्न का साइट बनाया है, PFESIC के रिटर्न जैसे फॉलो होते हैं उनको सॉफ्टवेयर में वैसी टाइप यानी स्टूडेंट्स वहाँ जाएंगे तो उनको वहाँ पे गवर्नमेंट का लोगो देखेंगे अलग से बाकी वो साइड सेम वैसा दिखता है तो वो उसको कुछ नया नहीं लगेगा कि मैंने इस पर कहीं काम नहीं किया है, पहले तो स्टूडेंट इसमें हो जाते कि मैंने तो इस पर काम ही नहीं किया है इसलिए कि भाई मुझे जमेगा कि नहीं, लेकिन हम इतना उनको कॉन्फिडेंस देते कि ये सब अपन जो कर रहे प्रैक्टिकली कर रहे और तो आप प्रैक्टिकली उनको इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग करके यहाँ से भेजते हो ताकि उनको जहाँ भी जाए वो अच्छे से उसको अच्छे से हैंडल कर सके। तो और उसके साथ एक साल के आर्टिकलशिप भी दे रहे हैं, आर्टिकलशिप में तो वो चीजें जो सीखा है उसका और नॉलेज हो जाता है, उसको समझ सकता है, जो कुछ डाउट क्लियर होंगे वो बाद में आके यहाँ पे कर सकता है। मैं भी खुद मतलब यहाँ से निकलने के बाद में अगर उनको आगे कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप उनको मैं 15 साल से टैक्स कंसल्टेंट हूँ तो मुझे ये चीज़ पता है प्रैक्टिकली तो मैं उनका डाउट क्लियर कर सकता हूँ। जी तो थैंक यू सो मच सर कि आपने ICA के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी है और ICA कैसा है कि जो भी स्टूडेंट्स है जो 12वीं के बाद में सोचते हैं कि हमको क्या करना चाहिए आगे जॉब करनी चाहिए खुद की कंपनी बिल्ड करनी चाहिए तो ऐसे बहुत से उनके इस मन में सवाल आते हैं तो जैसे कि अमोल सर ने बताया कि ICA से क्या फ़ायदे हो सकते हैं आपको जॉब प्लेसमेंट नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर मिल सकते हैं तो अगर किसी भी स्टूडेंट को अगर ये कोर्स करना है तो ये ज़्यादा इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है आप इसमें जैसे कि सर ने बताया कि ये 12 महीने का 18 महीने का 6 months और 18 महीने का ये कोर्स होता है जहाँ पे इनकी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पूरा ICA का बेसिक सिखाया जाता है आपको सारी प्रैक्टिकल चीज़ें यहाँ पे बताई जाती है करवाई जाती है मेन मतलब यहाँ पे प्रैक्टिकल चीज़ों पे ज़्यादा जोर दिया जाता है ताकि आप अगर बाहर जाते हो तो आपको ये प्रैक्टिकल चीज़ें वहाँ पे काम में आए हालांकि बाकी इंस्टीट्यूट में ऐसा नहीं होता है प्रैक्टिकल करवाने के नाम पे वो ऐसा होता है कि उनको सिर्फ ऊपर की चीज़ें बताते हैं तो सर जो है इनके इंस्टीट्यूट में काफ़ी अच्छे तरीके से बच्चों को गाइड किया जाता है उनको एक बारीक से बारीक चीज़ें बताई जाती है ताकि उनको आगे जाके उनके जो लाइफ में उनके जो करियर में है ये हेल्पफुल रहे। तो मैं सभी दर्शकों को अपील करती हूँ कि अगर आपको आपके बच्चों को या फिर कोई स्टूडेंट दिख रहा है तो अगर उनको ICA करना है तो वो ज़रूर ICA एजू स्किल प्राइवेट लिमिटेड कोचिंग सेंटर में आके जो डायरेक्टर है अमोल गिल्लुरकर सर से आप बात कर सकते हैं कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपना जो भी आपको गाइडेंस चाहिए उनसे आप
मिल के आप उनसे वार्तालाप करके अपना जो सारे प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशन आप ले सकते हो। तब तक आप देखते रहिए महान्यूज 7। अगली बार के एपिसोड में हम ऐसे ही जो भी कोई समस्या है, एजुकेशनल है या फिर पॉलिटिकल है या फिर जो भी हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक पे हम बात करते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए महान्यूज 7। नमस्कार। मध्य नागपुर का पहला ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो देता है आपको 100% जॉब गारंटी अकाउंट्स, फाइनेंस और टैक्सेशन के क्षेत्र में, मल्टीपल करियर ऑप्शंस के साथ पाएं जॉब हमारे प्लेसमेंट ऑफिसेस में। आज ही एनरोल करें ICA एजु स्किल्स प्राइवेट लिमिटेड। हमारा पता प्लॉट नंबर 46 शिवम अपार्टमेंट, थर्ड फ्लोर, अपोजिट वसुंधरा IVF सेंटर, डॉक्टर मुंजे मार्ग, थंतोली, नागपुर 4400012। संपर्क करें 9226466779।